उत्तर प्रदेश के बांदा में मुख्य बाजार स्थित एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल शोरूम था। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में लोग भी रहते थे। आग से मकान के नीचे बना कॉस्मेटिक शोरूम जलकर खाक हो गया। जिस समय आग लगी उस समय बिल्डिंग में एक परिवार के 4 लोग फंसे हुए थे। उन्हें फायर ब्रिगेड के जवानों ने किसी तरह बाहर निकाला। घटना के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। मौके पर एएसपी सहित आला अधिकारी भी पहुंचे। करीब 20 से 25 लाख रुपए का इसमें नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यह मामला शहर कोतवाली के चौक बाजार का है। एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि शहर के 4 मंजिला मकान के नीचे कॉस्मेटिक दुकान भी थी जहां यह आग लगी थी। यह आग शायद शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। ऊपर इस मकान में लोग भी रहते थे। आग में 4 लोग फंस गए थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। नुकसान के बारे में अभी आकलन नहीं लगाया गया है।